इस तरह उसी तरीके से अभी जैसे जो अभी एफएमसीजी में जैसे वॉलमार्ट जो है उसको नहीं आने दिया गया, लेकिन वो जो आ रहे थे तो उनका यही था कि अगले 10 साल तक जो है वो छोटे वो लॉस झेलने की स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में छोटे मार्केट को कैप्चर करेंगे और फिर वही वही रहेंगे। तो बहुत सारा सरकार ने कोशिश किया एनसीएलटी लाए। आपका ये कहना है कि ये सुब्रत रॉय ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की और वो लौटा भी रहे थे पैसा, अगर 2010 तक का उनका ऑपरेशन देखें, बीच में जो ये जो लॉस गवर्नमेंट जो आई और उसके अच्छा अभी देखिए मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे निवेशक ही कहते हैं ये लुटेरा है, ये मोदी लुटेरा है, तो अमित शाह लुटेरा है, तो वो लुटेरा है। अरे तो कम से कम अमित शाह और मोदी तो कम से कम खड़ा होकर के आपको कुछ देने के लिए खड़ा भी हो रहा है, क्या देगा नहीं देगा वो तो अलग विषय है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तो उसी नीति पर आपको दबोचा, हमको याद है पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से, मैं जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं कि वित्त मंत्री थे चिदंबरम साहब, उनके टेरियर में सारा खेला हुआ। जब उनके पहले नॉन बैंकिंग वाला जो चल रहा था उनको बोला तो फिर सारा ने कहा कि आपके पास ही मेरा पैसा है अलग अलग इस जगह। देखिए ऐसा है कि सबको डुबोने वाला चिदंबरम, उसका बेटा कार्तिक चिदंबरम, उसका जो है मलेशिया और सिंगापुर में 100-150 कंपनियां थी एक ही बिल्डिंग में एक ही एड्रेस पर, और उससे फॉरेन एक्सचेंज का धंधा करता था, धंधा होता था, ऊपर नीचे होता था। अब जितनी कंपनियां हैं वो सब फॉरेन एक्सचेंज, जैसे ही आपका रुपया गिरेगा, रुपया गिरेगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपने तो प्रोजेक्शन आज भी बहुत सारे हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु उनकी चमचागिरी में दिन रात लगे रहते हैं, दिन रात चिदंबरम और उनके बेटे की चमचागिरी। देखिए ऐसा है कि ये जितना मैंने बताया ना फाइनेंशियल और मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और राजनीति में तो वो भी तो कुछ मदद कर रहे थे क्या चिदंबरम जी, वेल्थ क्रिएटर की तरह वो भी वेल्थ क्रिएट कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे या फ्रॉड कर रहे थे? देखिए ऐसा है कि फ्रॉड जो फ्रॉड है ये जो व्हाइट कॉलर फ्रॉड है उसको जर्नलिस्ट पॉलिटिशियन पुलिस इन सबके बस की बात नहीं। व्हाइट कॉलर वो है उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट और बहुत बड़े लेवल पे करना होता, और उसके लिए अभी उसकी जांच, मैंने एक खुद एक कंपनी की जांच की और उसमें 300 करोड़ का घपला पकड़ा, और सुनील मेहता जो कि उस समय फील्ड जनरल मैनेजर था इलाहाबाद बैंक का, उसके खिलाफ मैंने खुद पकड़ा, खुद पकड़ा, मैंने खुद उसके खिलाफ एफआईआर लिखाई, और एफआईआर के बाद में मैंने डीजीपी यूपी को, वहां से एसएसपी को ऑर्डर आए, एसएसपी से एसपी को आए, एसपी ने एक स्पेशल क्राइम ब्रांच के आईओ को अपॉइंट किया, वो मेरे को रोजाना घुमाता रहा कि भाई चलेंगे उसके उसकी जो कनॉट प्लेस में पार्लियामेंट पे ब्रांच है, और बाद में कहने लगा अरे यार वो तो बहुत बड़े आदमी है और कहीं मेरे कोई नौकरी से ना निकलवा दें, और ये करते हुए वो करने के बाद में उनने कोई एक्शन नहीं लिया। उस एक्शन का रिजल्ट क्या हुआ, वो आदमी को फील्ड जनरल मैनेजर को कंप्लेन के बावजूद बना दिया पीएनबी का जनरल मैनेजर, और उसने 10,000 करोड़ नीरव मोदी को दे दिया, जैसे हमारी कंपनी को 300 करोड़ का दे रहा था जो मैंने नहीं देने दिए। तो मैंने उस इंस्पेक्टर से कहा तू उस दिन यदि थोड़ा एक्शन ले लेता तो 10,000 करोड़ बच जाते। तो कह रहा भैया नीरव मोदी को जिसने 10,000 करोड़ रुपए दिए वो मेरे को ना पुलिस का इंस्पेक्टर रहने देता ना कुछ करने देता। तो ये रिटिन में आज भी वो मौजूद है, और उसके बाद में फर्दर इंक्वायरी होगी। क्या नाम था उसका जनरल मैनेजर का? सुनील मेहता। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलता पूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।